हेलो दोस्तों, आज हम मिक्स वेज विद नान बनाना सीखेंगे। मिक्स वेज के लिए जो भी सब्जी मेरे घर पे अवेलेबल थी उसी से मैंने मिक्स वेज बनाया है। कोई भी अलग से सब्जी मैंने नहीं ली है। चलिए बनाते हैं इसकी ग्रेवी। ग्रेवी के लिए पहले हम एक पैन में तेल डाल देंगे, फिर उसमें डालेंगे 3 से 4 कड़ी लहसुन, थोड़ा अदरक डाल देंगे, कटा हुआ प्याज, काजू के टुकड़े और टमाटर के टुकड़े। इसे रफली चॉप कर लिया है। अब इसे अच्छी तरह से सौते कर लेना है। फिर इसे ठंडा करके मिक्सर में पीस के इसकी ग्रेवी बना लेनी है। अपनी ग्रेवी बनके तैयार है दोस्तों। सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है गाजर, कैप्सिकम, आलू, आलू मैंने उबाले नहीं है, फंडसी और मटर। एक पैन में तेल ले लेना है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जीरा, 1/4 चम्मच हींग, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च। इसको आधी सेकंड के लिए भून लेंगे। अब इसमें सारी कटी हुई सब्जियां हम इसमें मिला लेंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी सब्जियां ले सकते हैं। मैंने वही सब्जी ली है जो मेरे पास मौजूद थी और उसी से मैंने बनाया है। तो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि मिक्स वेज विद द स्क्रैच ये सब्जी मैंने बनाई है। अब डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक और ढक्कन लगा के 5 से 7 मिनट के लिए इसे पकने देंगे, क्योंकि सारी सब्जियां मैंने कच्ची ही डाली थी। अब ढक्कन हटाकर एक बार चेक कर लेंगे, फिर इसमें ग्रेवी मिला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने इसमें कोई भी गरम मसाले का उपयोग नहीं किया है, सब सादे मसाले डाले हुए हैं। अब 3 से 4 मिनट तक इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। अब डालेंगे इसमें धनिया, और क्रीम डाल देंगे। क्रीम टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो ये ऐसे ही बहुत सुंदर लगती है। चलिए अब नान बनाते हैं। एक पतीला ले लेना है, इसमें 1 कप मैदा डालना है, 1/3 कप दही डाल देना है और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल के नमक स्वाद अनुसार डालना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक नरम आटा गूंद लेना है। आटे को अच्छी तरह से मसल लेंगे जब तक कि ये पूरी तरह से चिकना ना हो जाए। अब आटा अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब इसे 15 से 20 मिनट तक के लिए ढक कर रख देंगे। अब आटा अच्छे से फूल गया है। मीडियम साइज की लुई तोड़ लेंगे और इसे लंबे आकार में बेल लेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप लंबा आकार बेलिए, आप गोल भी बेल सकते हैं। रेस्टोरेंट्स में लंबे टाइप के ही नान मिलते हैं, इसीलिए मैं ऐसे बेल रही हूँ। अब एक बाजू हम पानी लगा लेंगे और जहाँ पर पानी लगाया है वो साइड हम तवे पर डालेंगे ताकि नान अच्छे से चिपक जाए। और जब इसमें ये बबल्स आने लगे तब हमें इसे उल्टा कर देना है और गैस के ऊपर पका लेना है। हमारा तवा तंदूर का काम करेगा और नान अच्छी तरह से फूल के सिक जाएगी। आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी फूली है। चिमटे की मदद से इसे निकाल लेंगे। पीछे की साइड भी एकदम सिक गई है। इसके ऊपर घी या बटर लगा देंगे। अब आपको मैं एक दूसरा आसान तरीका बताती हूँ। ये नान पर हमें पानी नहीं लगाना है। जब एक बाजू अच्छे से सिक जाए तो इसे पलट लेना है और जैसे हम अपने फुलका रोटी बनाते हैं बस उसी प्रकार इसे तवे पे रख देना है। इसे आगे पीछे करते हुए हम इसे पूरी तरह से सेक लेंगे। अपना नान बनके तैयार है दोस्तों। मेरी ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों, ये सभी को बहुत पसंद आएगी।
इसे आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आपके कैसे बने हैं। मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।